आज के हाईटेक हो चुके फैशन के समय में कार्ड चौक पर डिजाइन तराशती यह उंगलियां मुरादाबाद के एक ऐसे कारीगर की हैं जो मूक बधिर है, कुछ सुनने और कह पाने में असक्षम है। ये कारीगर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं से भी वंचित है, जिसके कारण इसका ये हुनर एक छोटे से कमरे में सिमट कर रह गया है। आज के फैशनेबल समय में शहरों में बने बड़े बड़े रेडीमेड शोरूमों में कपड़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक डिजाइनर साड़ी की कीमत ही हजारों रुपए का टैग लगाकर बेची जा रही है और खरीदार भी डिजाइन के नाम पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन कभी उस डिजाइनर के विषय में शायद ही कोई सोचता हो जिसने साड़ी में डिजाइन उकेर कर उसे कीमती बनाया हो। हम आपको एक ऐसे ही हुनरमंद कारीगर से मिलवाते हैं जो एक सामान्य से कपड़े को भी कीमती बनाने में माहिर है। दरअसल कार्ड चौक पर एक साड़ी में मोती लगाते ये मुरादाबाद के तौजुद्दीन है। इन्हें ईश्वर ने उस हुनर से नवाजा है जो एक कपड़े की कीमत बढ़ाने का हुनर रखता है। ये बचपन से ही मूक बधिर है, अर्थात कुछ बोल और सुन नहीं पाते। इसी तरह इनके दूसरे भाई भी मूक बधिर है। उनके साथ रहने वाली उनकी बड़ी बहन रेशमा ही इनके इस काम को आगे बढ़ाती है। वही ग्राहकों से लेन देन करना और बाजार से सारा सामान खरीद कर वही लाती है। रेशमा का कहना है कि उनके भाई ने ये हुनर 6 साल की उम्र से सीखना शुरू कर दिया था। अब उनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है और न ही प्रदेश सरकार की किसी योजना का ही कोई लाभ मिल पाया है। रेशमा ने मूक बधिर भाई ताउजुद्दीन और मोहम्मद फरीद की तरफ से सरकार से गुहार लगाई है कि किसी योजना के तहत उन्हें आर्थिक मदद दिलाई जाए जिससे कि वो उस हुनर को आगे बढ़ा सके। जी, इसे कार चोबी का काम कहते हैं, दर्दोजी का भी कहते हैं। अच्छा, जरी का भी कहते हैं। ये किस कपड़े पे होता है और कैसे, क्या थोड़ा बताइए इसके बारे में। सिल्क में भी होता है, कॉटन में भी, जॉर्जेट में भी और जारी में भी। तो जैसे ये भैया कर रहे हैं जी, ये सुनने में आ गई, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हाँ, पहले मम्मी थी वो बात करती थी, मम्मी नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया, तो ये अकेले भाई की और भी साथ हैं? ये दो भाई हैं, वो दूसरा काम करते हैं, लेकिन ये ही है सही काम, वो कहीं और जाते हैं। ये कब से कर रहे हैं इसको? माशाल्लाह, इनको हमारे पापा का इंतकाल 6 साल के थे जब हो गया था, मम्मी ने वो जब ही डाल दिया था। तो ये इस काम से कितनी अर्निंग हो जाती है, कितना पैसा मिल जाता है, ऑर्डर कैसा मिलता है आप लोगों को? तो आपने सरकार से कोई मांग की है किसी तरह की? हमने की थी, लेकिन हमें सुनवाई नहीं होती, फिर हम बैठ गए। मम्मी थी पहले, वो करती थी, अब वो भी नहीं रही, मेरी सही नहीं रही।